तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे पबजी मोबाइल को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करना है और जो दो मेन फाइल्स है जैसे कि मेन 1230 ऐसे करके जो फाइल होती है और जो पबजी मोबाइल की लेटेस्ट एपीके है उसे आपको क्या करना है, अपने पीसी में कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद उसे आप किसी भी फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको सिंपली जो है इन फाइल्स को कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद आपको जो है मेन ड्राइव में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र फोल्डर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे टेम्प फोल्डर होता है, टेम्प फोल्डर को ओपन करने के बाद टैक्स गेम डाउनलोड पे आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ नीचे थर्ड पॉइंट पर मोबाइल पीसी सेट में जाने के बाद यहाँ पर आप कोई भी फोल्डर बनाकर उसमें जो है इन दोनों फाइल को कॉपी कर लेना है। और याद रखना, जिस फोल्डर में आप कॉपी कर रहे हैं उस फोल्डर का नाम जरूर याद रखें। उसके बाद आपको सिंपली टेंसेंट गेमिंग बड़ी को जो है आपको डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद उसे सिंपली ओपन कर लेना है। चलिए टेंसेंट गेमिंग बड़ी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, गेम लूप को ओपन करने का भी एक बहुत बेस्ट तरीका है जिसे आपको हर बार अपनाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको माय कंप्यूटर में जाना पड़ेगा और जो मेन ड्राइव है उसको ओपन करने के बाद प्रोग्राम फाइल्स पर क्लिक कीजिए। प्रोग्राम फाइल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं टैक्स गेम असिस्ट पर क्लिक करना है एंड UI पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड एमुलेटर, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है एंड जो आप सिंपली जो है टेंशन गेम बड़ी या फिर कह लीजिए गेम लूप को आप जो है आसानी से ओपन कर पाएंगे और इससे आपका जो लैग है गेम खेलने का वो भी कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो टेंशन गेमिंग बड़ी है वो इजीली ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको प्रेस करना है कि F9 की प्रेस करने के बाद आपको सिंपली ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपको सिंपली गूगल को ओपन करना है एंड गूगल को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है ES फाइल एक्सप्लोरर या फिर डाउनलोड ES फाइल एक्सप्लोरर। तो देख ले, मैं आपको जो दिखा देता हूँ, ES फाइल एक्सप्लोरर लिख कर दिखा देता हूँ मैं आपको। ES फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड करना है आपको, एक बार सर्च का ऑप्शन आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो सबसे पहले लिंक दिख रही है वहाँ पर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिंपली लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप जो है ES फाइल एक्सप्लोरर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली ES फाइल एक्सप्लोरर को जो है ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद इसमें जो है रूट का कोई चक्कर नहीं है। सिंपली आपको ओपन करने के बाद इसको ओके करते जाना है। चलिए ES फाइल जो एक्सप्लोरर है उसको ढंग से ओपन होने देते हैं। यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर आपको क्लिक करना है सिंपली एंड ओपन होने के बाद आपको सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज लिखा हुआ है इस पर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर साइड में एक स्लैश बना हुआ है, स्लैश पर आपको एक बार क्लिक करना है एंड उसके बाद डाटा फोल्डर में जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर शेयर वन फोल्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेयर वन फोल्डर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको com.tencent.iz मतलब जो भी फोल्डर आपने बनाया था वहाँ पर खुल जाएगा और जो दो फाइल थी मेन और पबजी मोबाइल, यहाँ पर सबसे पहले आपको पबजी मोबाइल को इंस्टॉल करना है। पबजी मोबाइल को एक बार आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और उसे पबजी मोबाइल को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद जो मेन फाइल है उसको आपको सिंपली कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको जो मेन फाइल है उसको एक बार मतलब बिल्कुल प्रेस करके होल्ड करना है, इससे वो सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट करने के बाद उसे आपको कट करना है। कट करने के बाद आपको बैक जाना है, बैक के निशान पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज के जाने के बाद आपको जाना है एंड्रॉयड OBB एंड com.tencent.iz पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी फाइल पेस्ट कर देनी है, अब आपका पबजी मोबाइल अच्छे से चलने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।